अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज था मेरा ऑफ यूनिवर्सिटी से, तो आज मैं आया था पार्क में थोड़ा घूमने, क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी निकली है माशाल्लाह। यहाँ पे कल बहुत ज़्यादा ठंड थी, क्यों कल पड़ गई थी बारिश, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा ठंड थी कल, और मैं भीग भी गया था यूनिवर्सिटी से आते टाइम। तो इसलिए मैं आया था यहाँ पर पार्क में टहलने। काफ़ी अच्छा पार्क है, देखिए ज़रा ये आप, बहुत अच्छा पार्क है। उधर सामने बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं और ये कुछ लोग भी बैठे हैं यहाँ पर, सब मज़े ले रहे हैं धूप के। यहाँ पर काफ़ी अच्छा खूबसूरत पार्क है यार, हमें तो देखने मिलते नहीं थे इंडिया में ऐसे पार्क। मतलब इंडिया में काफ़ी खूबसूरती है, लेकिन मैं क्योंकि विलेज से बिलोंग करता हूँ ना, इस वजह से तो यहाँ पर मैंने सब ये बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पर। और तो आज छुट्टी थी मेरी यूनिवर्सिटी से, तो मैंने सोचा आपसे कुछ वार्तालाप की जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए आपको यहाँ के बारे में। तो भाइयों, जब फर्स्ट वीक में आने के बाद सबसे पहले कुछ काम करना है आपको भाई, उतरते ही अगर हो सके तो अपना रेल कार्ड बनवा लेना। क्यों? क्योंकि बहुत ही बस कार्ड रेल कार्ड दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रैवल है यहाँ का, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रैवल है, बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है ट्रैवल में आप लोगों का। मेरा भी काफ़ी हो रहा है, तो मैंने लेकिन अब तो मैंने रेल कार्ड बनवा लिया, कल अपना मैंने रेल कार्ड बनाकर तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया। उस पर डिस्काउंट मिलने के बाद भी अच्छा खासा भाई खर्च हो रहा है यहाँ ट्रैवल में, बहुत ज़्यादा खर्चा है, ट्रैवल का खर्चा है। प्लस सबसे पहले कोशिश करें कि अपना ऑनलाइन एनरोलमेंट वहाँ से करवा के आएँ, अपनी फ़ीस सबमिट करके आएँ, सारी नहीं तो कम से कम एक सेमेस्टर की 60% या 50% आप अपनी फ़ीस सबमिट करके आएँ, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद बहुत दिक्कत हो जाएगी फ़ीस सबमिट करने में। मैं भी नहीं करके आया था अपनी, तो मैंने यहाँ पर आके जब अपना एनरोलमेंट करवाने गया मैं, तो काफ़ी दिक्कत हो गई थी। और लास्ट डेट आ गई थी मेरी फ्राइडे निकला है अभी, इस फ्राइडे को मेरी लास्ट डेट थी, और उसी दिन मैंने अपनी फ़ीस सबमिट करी, एनरोलमेंट कराया। जब मैं अपनी फ़ीस सबमिट करने गया यहाँ पर, तो मैं लेके गया कैश, मुझे पता नहीं था, हम भाई हिंदुस्तान के बंदे थे, वहाँ तो खैर सब कुछ अवेलेबल होता है, कैश भी और कार्ड भी, जैसे भी आप कर सकते हैं कर दी, यहाँ का हिसाब अलग है भाई, कैश पेमेंट ही नहीं हो रही यहाँ पर, तो कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी थी, वो भी किसी और वेबसाइट के थ्रू। यहाँ पर गया मैं, कार्ड भी दिया अपना कि मेरे पास कार्ड में भी मेरा अमाउंट पड़ा है, आप चाहें तो इससे कर लें, लेकिन बोले हम कुछ भी नहीं कर सकते, फ्लाई वाले के थ्रू अपने फीस सबमिट करिए। उसका मुझे प्रोसेस पता नहीं था, फिर मैंने उसका प्रोसेस पता करा किसी से, जो मेरे सर थे मैंने उनसे प्रोसेस पता करा अपना कि इसका क्या सीन है। तो उन्होंने मुझे QR कोड दिया, उसके थ्रू मैंने अपनी फ़ीस सबमिट करी। और भाई सबसे उसके बाद जब मेरा एनरोलमेंट हुआ तो बहुत ज़्यादा सुकून मिला, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था, क्योंकि UKVI से मैसेज आ रहे थे बार बार, ईमेल आ रही थी कि अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया तो आपको वापस कर दिया जाएगा, और यूनिवर्सिटी से भी काफ़ी मेल आ रहे थे। तो बहुत जल्दबाजी करी मैंने इसमें, और बहुत टेंशन में आ गया था मैं, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे कहीं वापस भेज दे मुझे, और काफ़ी पैसा खर्च किया है, तो थोड़ा घबराहट हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो भाई सबसे पहले अपना आने के बाद BRP कलेक्ट करें, अपना रेल कार्ड बनवाएं। BRP कलेक्ट में थोड़ा डिले हो जाता है, मुझे भी अभी BRP नहीं मिल पाया, मुझे एक हफ़्ता हो गया यहाँ पर, मैं दो तीन बार पहुँच गया पोस्ट ऑफिस, लेकिन BRP नहीं मिला मेरा अभी तक मुझे, तो BRP डिले हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। BRP कलेक्ट करने के बाद अपना यूनिवर्सिटी वालों को बोलो कि मुझे अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो उससे बैंक से अपना एक लेटर लें, वहाँ पर आपको उस लेटर में लिखा होगा ये स्टूडेंट हमारा इस यूनिवर्सिटी में फुली रजिस्टर्ड हो चुका है, और इसको बैंक या किसी मतलब अकाउंट खोलने की परमिशन दे दी जाए, या परमिशन हमारे ये पूरा यहाँ पर फुली रजिस्टर्ड है बंदा। उसके बाद अपना GP लेटर लें बैंक से, वो जाके अपने हॉस्पिटल में सबमिट करें, वहाँ पर रजिस्टर हों आप, अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, अल्लाह ना करे कभी आपको ज़रूरत पड़ गई हॉस्पिटल जाने की, तो आपका खर्चा बहुत कम हो जाएगा, आपका एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे हॉस्पिटल के, और आपका इलाज भी जहाँ तक है शायद फ्री में ही हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और आने के बाद भाई अपना एकोमोडेशन बुक करके आए, जो मैंने पहले ही बताया था, अपना एकोमोडेशन बुक ज़रूर करना आप लोग। एकोमोडेशन बुक नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, यहाँ पर रूम की बहुत ज़्यादा किल्लत है, और अगर रूम है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रूम है, तो अगर आपको कोई जानने वाला है या किसी वेबसाइट के थ्रू आप लोग अपना एकोमोडेशन बुक कर दें, एम्बर स्टूडेंट वगैरह है, बहुत सी वेबसाइट हैं। और आने के बाद भाई सुकून से रहें अभी, और अपना NI नंबर ज़रूर अप्लाई कर दें आने के बाद, क्योंकि NI नंबर के बिना यहाँ पर जॉब नहीं मिलेगी आपको, ज़रूरी है NI नंबर। और मैं आपको नहीं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँ कि आप कैश पे काम करें, क्योंकि कैश पे काम करना इलीगल है इंग्लैंड के अंदर, इसलिए थोड़ा इस चीज़ से बच के रहें, ऐसा ना हो कि
अभी आते ही अगर आपने कैश पे काम करा या इस इन सब चीजों में आपसे, तो आते ही आपको बाहर निकाल दिया जाए या बाहर कर दिया जाए। इसलिए इन सब चीजों से बचें और लीगली रहें। यहाँ पर पढ़ाई मुकम्मल करें, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बहुत अच्छी जिंदगी है। क्योंकि मैं जब से आया हूँ मुझे सब लोगों ने यही बताया है, सब लोगों ने मुझसे यही कहा है कि भाई अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ही यहाँ पर लाइफ अच्छी है, वरना सेवा झपकू कुछ नहीं है यहाँ पर। तो टेंशन फ्री रहें, टेंशन फ्री होकर आएँ, इमिग्रेशन की टेंशन लें नहीं। मेरा दोस्त भी आज आ रहा है, इंशाल्लाह उतर जाएगा, उतर गया होगा वो, अब इमिग्रेशन में होगा, इमिग्रेशन चल रही है उसकी इस टाइम, तो मुझे उसको शायद इसी फिर जा सकता हूँ मैं। अगर मेरी अभी कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ उसको, क्योंकि अभी तक वो ऑनलाइन नहीं आया है, व्हाट्सअप पर या किसी भी चीज़ पर अभी अपडेट नहीं दी मुझे ऐसी कि मैं आ गया हूँ। तो इंशाल्लाह आप सब लोग अपना ख्याल रखें और दुआ करते रहें मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, और आप सब लोग भी खुश रहें, आवाज़ रहें। इंशाल्लाह होती है मुलाकात इन वीडियो के साथ।